आप सभी की तालियां बजती रहना चाहिए. कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए आप लोग सेटल डाउन हो जाए, प्लीज बैठ जाए. आप लोग बैठ जाए, प्लीज सेटल डाउन हो जाए. सेटल डाउन, सारे लोग बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए. मेंटेन द डेकोरम प्लीज. इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा डर लगता है. ऐसी स्थिति में अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? शायद सभी के सवाल होंगे. किस किस को लगता है कि ये उसका सवाल है? जिसने हाथ नहीं खड़ा किया वो बताए भाई. देखो देखो मैं, हाँ तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ. टेस्ट को, टेस्ट है आपको जो आप प्रिपरेशन करते हैं उसको जज, थोड़ा जज करना और थोड़ा उसको आपको जो आप एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिसको कहते हैं कि आराम में आ जाते हैं, उसको ब्रेक करने का एक मेथड होता है. टेस्ट सब कुछ नहीं होता है. टेस्ट से आप ये जज करें कि टेस्ट के मार्क्स आने वालों का ही सिलेक्शन होता है, तो ऐसा नहीं है. और इस बात का परफेक्ट एग्जांपल मैं खुद हूँ. आपकी उम्र में था तब मैंने भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, राइट? और एक साल उसको किया, दो साल किया. कैन यू गैस मेरा कितनी बार रैंक में आया? टॉप 20, टॉप 100 में आया. कोई भी गैस? कभी नहीं आया, नेवर. जो फाइनल था उसमें आया. इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट देना ही बंद कर दोगे. नहीं, सर ने बोला था उसमें नहीं आती तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है. देखो कुछ वो लोग होते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि गलती करके और सुधार करते हैं. तो अच्छा लग रहा है आप जैसे लोगों के सामने बैठा हूँ. मुझे मेरा 20 साल पुराना जो समय है वो याद आ रहा है. और शिक्षा नगरी कोटा को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स, आप ही फ्यूचर हो. आप अच्छा करोगे कोटा अपने आप अच्छा करेगा. तो लाइफ में अच्छा करो, मेरी आपसे यही गुजारिश है. एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज ए दोस्त आप कह सकते हो, एज ए भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अच्छा करना. आप अच्छा करोगे. अभी मुझे बताया कि फेज़ 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके और उसके रिजल्ट आने वाला है. और शायद नीट के एग्ज़ाम भी 5 मई को हैं ऐसा बताया गया है. तो मेरी आपसे गुजारिश है आप अच्छा करो और आप नाम रोशन करो, कोटा का नाम अपने आप आगे बढ़ जाएगा. साथ है, क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है, पर जब रूम पर जाकर पढ़ता हूँ तो काफ़ी दिक्कत आती है. फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी नहीं बनते हैं, क्या करूँ? अब ये तो फिजिक्स वाला कोचिंग के उसमें बैठ के फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल समस्या, हर कोई इससे जूझता है. और मेरे से तो मत ही पूछो, मुझे भी. लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, कैसा ऐसे बेटर कर सकते हैं, उन चीज़ों से प्रभावित हुए. आप एक लाइफ की छोटी सी फेज के लिए यहाँ आए हो, उसके बाद में पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं ना. हॉस्टल वालों से बात करते हैं साहब, 5 बच्चे हैं, तेज मिर्च मसाला चाहिए, 5 बच्चों को कम मिर्च मसाला चाहिए, तो उनको एक बैलेंस बनाना पड़ता है. एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा हो सकता है पढ़े. जिस दिन टेस्ट देके आए उस दिन पढ़े नहीं, उसको साइड में रख दें. 7 या 10 दिन के बाद जब आपको लगे कि अब आप अपने इक्विलिब्रियम में वापस आ गए हैं, तब उसको उठा के देखें, वो बेटर होता है. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कंपेयर करना है तो खुद से ही. और किसी को भी लगता है तो मेरा मेल आईडी उस पर अवेलेबल है, उस पर भेज दीजिएगा, मैं उसके भी जवाब देने की कोशिश करूँगा. क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग है, अब मुझे लगता है.